तब आगे करो ना, एक बार टाइट करो। गाइस अब उतर रहे, ट्रेन चल पड़ी। हाँ तो हालत टाइट हो गया यार, पहले गिर गए फिर गाड़ी चालू नहीं हो रही, दिमाग खराब हो गया। So, क्या चल गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल दक्ष बजाज व्लॉग्स। तो भाई दक्ष बजाज तुम्हारा नया व्लॉग लेके आ चुका है, और ये देखो गाइस मेरी बुआ और मम्मी बाहर खड़ी हुई है। देखो यहाँ पे गाइस मैंगो की परचेजिंग कर रही है, देखो ऊपर से ही अभी मैंगो लेंगी, यहाँ से पैसे देंगी बाल्टी में, बाल्टी से ही आम ऊपर। क्या हुआ था, क्या सर्विस चल रही है बैग। और गाइस ये रही मेरी दो नानियां। हेलो हेलो गाइस। पापा उस कमरे में सो रहे हैं, भैया भी सो रहे हैं, सारी रात सोया नहीं, सोए मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। भाई मैं तो सुबह ना 6 बजे उठा था, कुछ काम के लिए, दुकान का कुछ काम था, फिर उठा था, फिर सो गया था दोबारा, 8:15 तक सो गया था। अब 11 बजे फिर उठा हूँ, खाना वाना खा के 15 मिनट में नीचे आ गया भैया के पास, भैया को खाना खिलाने, मेरा भैया का खाना थैली में। हाँ भाई क्या हाल है, बाल मत सजाया कर मेरे आगे, कसम से भून दूंगा। अच्छा ऐसे बढ़िया बाल है, तभी तो कह रहा हूँ। ये मेरे बाल में देखो यार, नीचे ही रहता है, ये देखो अच्छे ही नहीं लगते ऐसे, तो नीचे रखने पड़ते हैं। अभी कटवा के आऊंगा ना, फिर अच्छे लगेंगे। यार मैं भी डबल साइड करवा लूँ, दोनों साइड से खड़े होंगे, हैं तेरे तब भी नहीं होंगे फिर भाई, जिसते है ना वो फिर। तू काउंटर चाहिए, इसका एक बार खाना देखो गाइस, आज एक बार ये देखो, एक ये टॉफी, टॉफी नहीं है वो भी जेली, ठीक है ये जेली, ठीक है यहीं से निकाल रहा हूँ, ये दो जेली, तीन जेली हो गई है, ठीक है। उसके बाद एक ये चम्मच भी खाएगा ये, उसके बाद ये दही, ठीक है दही तो चलो अच्छी बात है, प्रोटीन है। उसके ऊपर दही के अंदर चीनी डालेंगे बाबू जी, फिर ये क्या, ये आलू के परांठे। वैसे खा के तो आलू के परांठे आज मैं भी आया हूँ। अरे जेली वगैरह थोड़ी ना खाते हम, गंद। और नानियों को छोड़ के आना मेट्रो स्टेशन कह रहे हो, रेलवे स्टेशन तक, तो भैया और मैं जाएंगे अभी गाड़ी में। हेरी गाइस हमारी कांता नानी, वो पीछे बैठी कैलाश नानी, अभी हम जा रहे हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अरे हमारी भूसी सोनी भूसी, अरे हमारा भैया, पाँचों जाएंगे अभी रेलवे स्टेशन। क्यों नानी, हाँ है ना नानी, एक बार अपने दांत दिखा दो। ओ बोल क्लास नानी के तो दांत ही लिए, दांत नानी दांत दिखाना, दांत अब लगाओ। नहीं नहीं कह रही नकली लगाऊंगी। फाइनली गाइस स्टेशन पहुंच चुके हैं, हमारा मोटा भूसा। ये हमारी नानी, अब सामान निकालते हैं, मेन काम ही होता है वो सामान निकालने का। ओ भाई साहब ऊपर चढ़ी, ऊपर बंदर, बंदर पीछे पड़ गया ऊपर, हाँ देख। अरे दबा के करो ना, एक बार टाइट करो। ओए की डोले शोले, ये दोबारा भरा हूँ, पी ले तू, पी ले और भरा दो। अबे देख खाली कर दी, इधर में तो ट्रेन ही आ जाएगी, इतने में भर के आऊंगा मैं। बाय बाय। हटो 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 हटो, अरे हटो भैया हटो, खड़े। क्या हुआ? हेलो गाइस सब उतर रहे, ट्रेन चल पड़ी। एकदम से कुदाव के मारी है, देखो मेरे तो कोनी हल्की सी छिली है, दोनों गिरे ठा, पहले ये गिरा फिर मैं गिरा। कैसा लगा? अच्छा। देखो इन आंटी से पूछो, आंटी कैसे गिरे थे हम? दोनों गिरे। अबे वो दोनों आगे चढ़ के बैठे हुए थे, उनकी वजह से गिर गई। अरे सामान ही नहीं हटा रहे, लग गई क्या? और क्या, दोनों घुटने छिले। ओ ये देखो
मेरे तो हल्की सी कोनी पे लगी है क्योंकि मैंने ना गोटो पे जोर ही नहीं दिया भाई। हमारा वर्स्ट एक्सपीरियंस था ये वाला। भैया कैसे गिरे भाई? मेरे पैर में लग गई है गाड़ी, चलेगी मेरे से भाई? चल चल कोई ना, मैं चला लूंगा। हाँ तेरे को देता हूँ मैं चेक फाड़ के। भैया कह रहा अभी तो हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं, अब हो जाएगी यार। भाई इससे तो चला भी नहीं जा रहा, देख लो इस बंदे के ज्यादा लग गई। मेरे को तो मतलब इतनी नहीं लगी, सिर्फ यहाँ पे लगी थोड़ी सी और यहाँ पे। बंदे ने लगाई कहाँ है? नो पार्किंग। नो पार्किंग के बिल्कुल आगे लगाई है भाई बंदे ने, मतलब शर्म नहीं आ रही। यो देखो नो पार्किंग। अरे भाई शर्म ना रही तेरे को? अब मैं चलाता हूँ ना भाई। एक ना पोटली वाला था, पता नहीं अपनी पोटली से लेके बैठा था ट्रेन की सीढ़ियों पे। मुंह में मेरा हाथ दे जाए। अबे भाई मैं उसकी पोटली के ऊपर से कूदा हूँ, मगर हट यार भाई, चलने लग गई है ट्रेन भाई। जैसे ही चली बुआ ने हमें बोला भागो तुम, भागो भागो। मैंने पहले भाई फटाफट फोन की वीडियो बंद करी और ऐसे फोन लेके कूदा, मगर भाई मैं टूटता फोन को कुछ नहीं होना चाहिए यार। भैया बढ़िया गिरा था भाई। करना मुश्किल होता है। एक तो वो उसकी ना पोटली आ गई, वो मतलब कपड़े थे उसके, पता नहीं कपड़े थे क्या थे, और उसने ना गांठ बांध रखी थी, पता नहीं पोटली सी थी वो, उसने वहां रख रखी। मैं कहा हटा दे हटा दे हटा दे इसको, क्या हटा रहा हूँ बाबूजी हटा। मैं कहा तेरी भैंस के ऊपर से कूद गया मैं, क्या ही करते भाई। चलो भाई उसके मतलब भैया कहना लग गई है, लेफ्ट घुटने पे ना ज्यादा लग गया उसके, तो वही अभी वो पा कह रहा पानी से धो के आया मैं इसको, रुमाल बांध के आया। यहाँ पे मतलब आसपास कोई मतलब वो भी तो नहीं है ना मेडिकल कुछ, वो कहाँ ही ढूंढेंगे मेडिकल, घर जाके पट्टी पुट्टी कर लेंगे। अभी जुगाड़ लगा के आ रहा है वो, कह रहा पानी वानी लगा के धो के अच्छे से आता हूँ, एक बार जलन सी हो रही है। मगर चल ठीक है भाई। अभी भैया आया, भैया ने चेक करा गाड़ी नहीं चल रही, गाड़ी में पता नहीं कोई डिफॉल्ट आ गया, गाड़ी नहीं चल रही। फिर अभी हर चाचू को बुलाया, देखते हैं वो मतलब इंजन चालू नहीं हो रहा। गाड़ी तो ऑन हो रही है, इंजन चालू नहीं हो रहा। धक्का लगाएगा? लगाऊं? लगा लगा। मेरी सारी जान निकल गई भाई, कम से कम नहीं तो 1 किलोमीटर धक्का लगाया मैंने। 1 किलोमीटर? हाँ 100 मीटर भी नहीं हुआ साले अभी तो। मैं जा तू भाई, कम से कम नहीं तो भाई 200-300 मीटर हो चुका है भाई। उनको बोल तो दे पहले कहीं वो आ ना रहे हो। वो आर चाचू को फोन तो कर दूं। भैया हाथ तो हालत टाइट हो गया यार, पहले गिर गए फिर गाड़ी चालू नहीं हो रही, दिमाग खराब हो गया। आज हालत टाइट हो गई भाई, सोचा नहीं था इतना कुछ हो जाएगा। आज गलती कर दी मैंने आके तेरे साथ, वैसे मैं आता नहीं हूँ पर आज इसके साथ आ गया भाई। भगवान की मतलब कि गाड़ी चालू नहीं होगी, मैं धक्का लगाऊंगा, तभी मेरे को भेजा भगवान ने। देखा भगवान का इशारा होता भाई। अभी भाई हर चाचू को फोन मिलाया था ना, तो वो कह रहे मैं यहीं आसपास ही घूम रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, घूम रहे हैं वो दोस्तों का कोई 50-60 दोस्त है, एक ही दोस्त मतलब दोस्त के साथ घूम रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ यहीं पे, शकूरपुर मेट्रो स्टेशन रुको, वहीं पे रुके हैं। अब हर चाचू आ रहे हैं उनके साथ, हर चाचू गाड़ी चलाएंगे क्योंकि इसको आती नहीं है, इसको पीछे फेंक दूंगा मैं। ये बात है, चलते चलते उतरना चाहिए। कभी भी जिस डायरेक्शन में चीज जा रही है ना उसी डायरेक्शन में उतरो। हाँ तुम सीधा उतर जाओगे। अरे मैंने तो कुदाक मार दी ना, पोटली हटा ही नहीं रहा था, तभी तो गलती है। अभी ना हर चाचू और मैं कार रखने आए थे और साहिल मिल गया मेरे को, साहिल मेरे को घर तक छोड़ देगा भाई। पैदल जा घर तक छोड़, एकदम ऊपर ऊपर सेकंड फ्लोर तक भाई, अपना काम ही है। हग कर रहे हैं क्या चल रहा था तू भी गुजा, हग प्लीज बन, हग प्लीज। देखो यहाँ पे भैया की ऐश है भाई, हम दुकान पे बैठे सड़ रहे हैं, इसको देखो यहाँ पे मस्त अपना खा रहा है, मालिश करवा रहा है, क्या बात है भाई। भाई मालिश हो रही है भाई, क्या बात है भाई, दूसरे पैर पे भी, क्या बात है भाई, हमें तो पूछते ही नहीं भाई, ऐश तो तुम्हारी है यार। दुकान की साफ सफाई करो रोज, पूरा पूरा दिन ड्यूटी दो, फिर जिम जाते टाइम 1 घंटा तुम चले जाते तो एहसान जताते हो तुम। फाइनली भाई जिम का टाइम हो गया।
शहर नाल हो राज गाइस रेडी जिम के लिए अब चलते हैं साहिल के घर के नीचे स्कूटी लेकर आज उसके पास स्कूटी नहीं है मैं आज तो टाइम पे आ गया पहली बार आज टाइम पे आ गया साहिल भाई दोनों के बाल एकदम गीले गीले हो रहे हैं मैं भी नहा के आया हूँ भाई जिम जाने से पहले नहाने का ना अलग ही मजा भाई लेग्स हाँ डेड लगाए क्या मन कर रहा है ना अगली बैक में हाँ तुम्हारा मन करे तो ठीक है बैक में लगाएंगे यार अबे यार आया एक दो तीन एक दो तीन ओहो फाइनली भाई जिम खत्म हो रहा तो भाई बहुत तगड़ी जिम गई भाई है साहिल कैसा गया हमेशा जाता है मेरा भाई आज का मेरा सबसे बेस्ट गया मजा आ गया भाई लेग्स और शोल्डर लगाए पहले मैं शोल्डर नहीं लगा रहा था फिर लगा ही लिए मजा आ गया अब डाइट लेते हैं भाई हाँ भाई साहिल क्या खाएगा मेरा तो मोमोज खाने का मन कर रहा है हाँ भाई साहिल मोमोज खाए भाई अभी वेज प्रोटीन सैलेड और हरा भरा सैंडविच खा के नाम ही उसका ये था हरा भरा सैंडविच ये खा के भाई अभी हम जा रहे हैं घर की ओर ओके गाइस घर की ओर उल्टी आने की पैर भाई अभी तो मैं जिम से घर आ गया था रात ही इन्होंने कहा कि गुरुद्वारे चलें फटाफट तैयार हो ले फिर भाई मैं दोबारा नहाया क्योंकि मतलब जिम से आया था तो भाई एकदम मतलब पसीनों में लप लप लग हुआ था फिर नहाया दोबारा अब देखो नहा के गाड़ी में आ चुके हैं मैं और भैया मम्मी पापा और ताऊ आ रहे हैं अभी फिर चलते हैं मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है कभी भी बाहर जाना होता है मैं लेग मार के क्यों आया होता हूँ यार टांगों में अभी इतना दर्द हो रहा है ना मैं जूते तक नहीं पहने मैंने आज देखो चप्पल पहनी है और भैया तेरा पैर कैसा है बस ठीक है सब गाड़ी में आ चुके हैं मेरी मम्मी और मम्मी हेलो ये हमारे आई फ्लू वाले ताऊ हेलो ये ठीक हो गया राजेश खन्ना लग रहे शाहरुख खान कादर खान लग रहे बोला था दिल में कादर खान लग रहे ये रहा भैया जिसके पांव में चोट भैया तो निक्कर में गुरुद्वारे कैसे जाएगा नहीं बाहर से मथा टेक नहीं बाहर से और ये रहे हमारे पापा उबासी ले रहे हैं पापा नींद आ रही है मैं चला लूं वापसी लाना बेटा भाई क्या भाई मेरी बेइज्जती करते हैं यार कोई बात नहीं एक बार सीख जाऊँ ना फिर देखना भाई रोज सुबह भाई लखन तुम्हारी जेल से फरार मुश्किल 6 महीना मुश्किल से 6 महीना गुरुद्वारे की गली में आ चुका गाड़ी पार्क कर दी मैं मम्मी के साथ चल रहा हूँ वो तीनों आते रहेंगे अपने आप मम्मी आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ खुशखबरी आने वाली है खुशखबरी हाँ तो मुझे भी नहीं पता ऐसा फीलिंग से आ रही है अंदर की कुछ खुशखबरी आने वाली कुछ अच्छा होने वाला हमारे साथ अंदर से ही ना फीलिंग से आ रही है कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी होगी तो जरूर होगा पता नहीं अंदर से ऐसा लग रहा है क्या पता मेरे को आपके जरिए पता नहीं 5-6 लाख मिल जाए बुलेट ले लूँ मैं भाई बुलेट ऐसे लेनी है ढाई 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 3 लाख की बुलेट भाई 2-2.5 लाख का नंबर लेंगे उस पर कुछ और है 5 लाख नहीं दे सकते मेरे को 5 लाख की बुलेट आती है तो वो नंबर भी तो लेंगे ना उसका 2.5 लाख का चल ढाई लाख बाबा जी को बोल मेरे को मत बोल कादर खान
कॉटन कैंडी की पैकिंग कैसे आने लगी दिखाना ये देखो भैया पेटीएम के साथ ले रहे हैं। गुरुद्वारे से बाहर आ चुका है और इनकी बक 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 चले जा रही है। और मम्मी क्या हाल है? भूख लगी है। मेरे को भी भूख लग रही है यार। भाई मैं कह रहा हूँ तिलक नगर में आए यहाँ पे छोटी हवेली गुरुद्वारे के पास यहाँ पे आओ भाई गजब का खाना है। हमने मंगाया था शाही पनीर दाल मखनी बटर नान और लच्छा परांठा भाई सब एक नंबर सब एक नंबर भाई यहाँ पे गुरुद्वारे के पास ही है। पैसे वसूल भाई। मैं कैसा लगा खाना? अच्छा है ना? बताओ कैसा लगा कादर खान? मजा आ गया। भैया कैसा लगा? किससे बढ़िया था? संतूर से बढ़िया। सैंडो से बढ़िया था। क्या रे संतूर मेरा फोन कहाँ है? भैया कैसा लगा? बढ़िया। पापा बताएंगे भाई बेस्ट रिव्यू। पापा कैसा लगा? नो डाउट सारा खाना अच्छा था, चाहे पनीर था चाहे दाल थी चाहे लच्छे परांठे थे चाहे नान थे सब कुछ अच्छा था। सैंडो से अच्छा था ना? बहुत अच्छा था। घर पहुंच चुके और आज का दिन भी भाई बहुत लंबा था, बहुत कुछ हुआ आज के भी दिन में। तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर कमेंट सब कर देना। आप समझदारी हो इतने तो यार नॉलेजेबल हो। बाय बाय। कौन नहीं आती तेरी गलती की वजह से बंद हुई थी हरामखोर। ये तो एडिट कर दूंगा।